वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने से क्या चाहता है आपका बताओ, क्या चाहता है, लाइक कर दिया करो, कर दिया करो लाइक, मेरे को बार बार में ना बोलना पड़े। तो अभी बस मैं जैसा सोच रही हूँ, अभी नीचे चलते हैं, वीडियो एडिट हो गया हमारा और ब्रू सोया हुआ है और नींद मुझे नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा आज का ब्लॉग भी हम पब्लिश कर ही देते हैं। और आज डे को आज फ्राइडे है, तो आज मैंने ना उसका सिंदूर लगाया था और पता नहीं साफ हो गया ऐसे ना, जब मैंने हेयर वॉश किए थे ना तो उसी टाइम मैंने लगाया था। तो बस आज का ब्लॉग मैं बहुत खुशी खुशी से स्टार्ट किया है, आई होप मैं इसको खुशी खुशी लेके जाऊँ आप लोगों के साथ। और हाँ, तो आज क्या था पता है, आज ध्रुव का स्पेशल टिफिन मैंने सुबह सुबह भेजा था, सुबह सुबह बहुत कुछ बन गया था, ब्रेड पकौड़ा बना, मैक्रोनी बनी, रायता बना और बस यही सब कुछ मेरे लिए तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि हम कभी कभार सिंपल चपाती और दिखाते हैं तो कभी कभार वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। और अभी भी गई है जस्ट एरोप्लेन, तो बहुत ज़्यादा धूप है, ये बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी जाएंगे नीचे। और यहाँ पे ना छत पे मेरा मंजा डाल के रखा है, देखिए यहाँ पे यूज़ करो कोई बात नहीं, बट कम से कम अंदर तो रख दो यार, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए नीचे रख नहीं सकती मैं, चले नीचे। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ आज कुल्फ़ी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, मैंने एक बार पहले बना ली थी, आज सेकंड बार बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ जैसे मेरी कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया था, उसमें चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ली थी, और यहाँ पर आधा मतलब कटोरी आप देख सकते हो दूध लिया है, और दूध के अंदर हमने क्या डाला है, आरा रोट नहीं होता जो हमें मतलब क्या बोलते हैं आलू की टिक्की बनाते हैं उसमें भी ऐड करते हैं, तो वो अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। मिक्स होने के बाद हमने जो दूध ये देखिए हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था ना, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आप देख सकते हो दूध थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना, क्रीमी क्रीमी सा। तो अभी हम इनको डालते हैं मिक्सर जार में, मिक्सर जार बोल रही हूँ सॉरी, जो जो बर्तन हमें जिसमें जमाना है, इस तरह के कोप है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिंपल से किसी भी बर्तन में बना के मतलब डाल सकते हो। और यहाँ पे आप यकीन मानिए इतनी टेस्टी इतनी अच्छी कुल्फ़ी बनी थी, सेम जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं। तो इस तरह के मेरे पास 3 थे, और बाकी जो भी मैं आप लोगों के पास अच्छे हो उसी शेप में आप जिस शेप में बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। और कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, और 4 से 5 घंटे बाद में आप देखिएगा इतनी अच्छी इतनी यम्मी बन के तैयार हो गई थी हमारी कुल्फ़ी। तो यहाँ पे हमने सारी कुल्फियों को अच्छे से डाल के जार में हमने रख दिया है, अच्छे से रैप करके अभी रखेंगे, सॉरी रखा नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा, तो आप देख सकते हैं हमने इतने बर्तनों में ये इस तरह से ये जो बैटर था डाल दिया है, और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे फॉइल पेपर, नहीं होता वो यार, अगर वो नहीं है तो दूध की थैली होती है आप उससे भी कवर कर सकते हो। और अभी हम देखेंगे इनको 4 से 5 घंटे के बाद और कैसी बनती है कैसी नहीं, तो गाइस आप लोगों के होश के गत बाद में मैं जब निकालूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग चलिए, और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमकीन चावल मिक्स वेजिटेबल डाल के, मिक्स वेजिटेबल डाल के यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के हम पका लेते हैं। बस 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 ऐसे नहीं होती, बस बस आज बनाना की सब्जी साथ में दूध दिया मैंने, साथ में ये है जो नमकीन पुलाव मैंने बनाए थे। और तुझे क्या खाना है, तूने मेरे को काउंटिंग तो सुनाई नहीं, मैं तेरे को नहीं खिला रही ध्रुव, इधर देख मम्मा की तरफ हैं, आपने मेरे को काउंटिंग हर भी गाइस खा लेते खाना, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम 9:30 के आसपास हो रखा है, तो इस ब्लॉग को मैं देखती हूँ कल तक कंटिन्यू रखूँगी, आया
आप फिर हो जाएगा तो यही पैर मैं कर दूँगी। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगा वो बताइएगा जरूर। चलिए करने वीडियो को जो है गाइस गुड मॉर्निंग। आज टाइम है 9:30 क्या हुआ पापा ने रोमा तो और दे दूंगी और है ना हमारे देख लो फ्रीजर में और भी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रखा है सुबह के 9:15 और आज 9:15 बजे उठी हूँ क्योंकि आज की छुट्टी है नहीं तो मैं उठती हूँ 9:30 और तो अभी क्या करूँगी थोड़ी देर में अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी और ध्रुव बाल्टी लेके फ्रिज में मतलब नहीं जाना देखो क्या ले लो ध्रुव मैं सुबह सुबह नहीं दूँगी सुबह सुबह तुम ब्रश करो फिर दूध वगैरह फिर ये बाद में दूँगी बाल्टी तो खुद अंदर सुबह सुबह डेल्टा पे ट्राई करूँगी लगा के दिखा चल लगा नहीं जाओ तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेती फिर मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा लेट होएगी छुट्टी है ध्रुव की तो थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं और हाँ नहीं पीना तो चलिए पहले पानी पीते हैं ठीक है क्या पीते हैं पानी देखिए तो इनमें थोड़ा पानी कम रहेगा इनमें पानी वगैरह डाल के मैं क्या करती हूँ बस करो इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल देती हूँ और मैं छोटी छुट्टी रखवा दी चाचू की भी आस है पता नहीं मेरे को थोड़ा सा पानी फिर करूँ मैं थोड़ी में अपनी एक्सरसाइज इससे पता नहीं पापा ने लेके आए मेरे को लगता ये ना वो ऐसे ही है बोतल वगैरह खोलने के लिए दवाई खोलते हैं हाँ सुबह पापा लाए थे यस सुबह पापा चिप्स ले आते होंगे रात तुमने पानी पी अपना पानी खत्म करो भी ना मुझे खांसी आ जा रही है मुझे खांसी आ जाती आप करो मैं पी लूँ नहीं इसके अंदर पीलूंगा हाँ इसके अंदर पीलूंगा पानी ना पीले फिर इसके अंदर पीलूंगा पानी पीले दोर और डन डन मैं डन तो चलिए यहाँ पे हम अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और ज़्यादा मैं नहीं करती एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट करती हूँ बट आप लोगों के साथ थोड़ा ही मैं शेयर कर पाती हूँ। तो चलिए आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए ध्रुवी चैनल मतलब चैनल का वो लगा हुआ है कह रहा है कि मम्मी मैं वीडियो शूट करता हूँ उठाने के लिए वहाँ से स्टैंड को उठा रहा है। धूप में खाएंगे।
खाएंगे जब दोपहर होगी ना, सभी खाएंगे ना, सभी खाएंगे ना, तो फिर खड़े जाओ, यहीं सो ना। चलो सोए तो यहीं रहो, चलो कोई बात नहीं। फिर नहाने का क्या प्लान है? किसकी आवाज आई थी? कुत्ते की। ऐसे करो ना, ऐसे 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 रुको पैर। मैं भी नहीं जा रही, बोलो गाइस मैं भी नहा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। बोलो तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह हमारी हो गई है और अभी तो ब्रश कराना है और मुझे भी करना है, तो आज छुट्टी है तो इस करके थोड़ा सा लेट चल रहा है हमारा काम, नहीं तो ग्रुप भी अपने आप ही जल्दी हो जाता है तैयार। ठंडे पानी से ही नहा रहा हूँ, मैं कभी नहीं नहा रही, थोड़ा सा काम करो। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूं, मतलब किलो से थोड़ा सा कम ही होगा। आरएस का राज बताइएगा।